दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोस्तों आपकी सैलरी कम है और आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें आपको कोई भी अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहां पर ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बैंक के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको डू या एतिसलात से रिलेटेड नई नई अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप यूएई में रहते हैं और आपके पास कोई बैंक का अकाउंट नहीं है और आपकी सैलरी कम है, तो आप शारजा इस्लामिक बैंक में अपना सेविंग या फिर करंट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको इसमें मंथली कोई भी अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो आपसे कोई मंथली चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाना है और आपको वहां पर जाकर टाइप करना है SIB डिजिटल। जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे, आपको शारजा इस्लामिक बैंक का एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएगा जो कि SIB डिजिटल के नाम से होगा। तो आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर ओपन SIP डिजिटल अकाउंट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यह OTP यहाँ पर डालेंगे, यह ऑटोमेटिक आपकी OTP को वेरीफाई कर देगा। इसके बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी Emirates ID वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई माई ID, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी Emirates ID की फ्रंट और बैक कॉपी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद फिर से नीचे नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी का, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सैलरी आती है तो आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको वह सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यह सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सैलरी डालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कोई भी सैलरी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मिनिमम सैलरी की कंडीशन नहीं है, तो आप यहाँ पर 3000 दिरहम या कुछ और डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दो टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, एक डिजिटल अकाउंट का और दूसरा डिजिटल प्रीपेड अकाउंट का। तो आपको यहाँ पर दोनों टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिजिटल अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है और डिजिटल प्रीपेड कार्ड में कुछ लिमिट्स होती हैं। तो आप यहाँ पर डिजिटल अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक पर्पस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेविंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी का एड्रेस डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डाल देना है।
एड्रेस डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको इस पेज में नन ऑफ एबव स्टेटमेंट वाला सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आई एग्री वाला एक ऑप्शन दिया गया है, उस बॉक्स में आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू वाला बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वह बैंक को सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका ATM और चेकबुक आपको डिलीवरी के थ्रू आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। जब डिलीवरी पर्सन आपको ATM और चेकबुक देने के लिए आएगा तो आपको अपनी ID के द्वारा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ATM कार्ड और चेकबुक मिलने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यह एक सिंपल तरीका है, आप इस वीडियो को फॉलो करके आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी शारजा इस्लामिक बैंक में नया अकाउंट ओपन करने के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू या इतिसलात का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।